तो क्या आप भी पबजी बीजीएमआई की शॉर्ट वीडियो बना बना कर थक चुके हो या फिर किसी और गेम की शॉर्ट वीडियो बनाते हो और आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, तो आज ही उस तरह की बोरिंग शॉर्ट वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप एक प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो। उस तरह की वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जिससे आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, पहले प्रीव्यू देखें, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह की शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। चलिए सबसे पहले तो आप अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। एडिट अ फोटो में जाकर एक पीएनजी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये पीएनजी बैकग्राउंड आ गया, इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो इसकी साइज में जाकर हम 1080x1920 लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइट में 1920 और यहाँ पर 1080 लिखकर हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अनलॉक के ऑप्शन पे जैसे आप टिक करोगे तो हमारे यूट्यूब शॉर्ट का जो साइज़ होता है उसी साइज़ का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें इस बैकग्राउंड के चारों तरफ बॉर्डर लगानी है, तो बॉर्डर के अंदर हम लोग जाएंगे और आउटर को हम 0 पे कर देंगे और इनर पे हमें जितना भी ये बॉर्डर रखना है उतना रख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर 4 पे इसे रखूँगा और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जिस भी कलर का बॉर्डर आपको चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके कर देना। तो ये हमारा जो चारों तरफ का बॉर्डर है वो लग चुका है। अभी हमें 20 में भी थोड़ा सा काम करना रहेगा। तो स्टिकर के अंदर आपको जाना है और सर्च बार में ऊपर आपको सर्च करना है वाइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर वाइट सर्च करोगे तो काफ़ी सारे पीएनजीज हमारे सामने आ जाएंगे। तो उसमें से ये वाला जो पीएनजी है इस पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है बॉर्डर की ये बैकग्राउंड की साइज़ के हिसाब से। और फिर हम इसको ऊपर की साइड रख देंगे। ऊपर हमें जितनी भी जगह छोड़नी हो उतनी जगह छोड़ के यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा। और ब्लेंडिंग के शेडो के अंदर हम लोग जाएंगे। शेडो के अंदर हम इसकी ओपेसिटी को रखेंगे 50 के आसपास और ब्लर को हम लोग रखेंगे 80 के आसपास। और उसके बाद हम पोजीशन के अंदर जाकर हॉरिजॉन्टल को 0 पे कर देंगे और वर्टिकल को यहाँ पर मैं 5 रखूँगा। तो आप लोग भी वर्टिकल को 5 पे रखना। और उसके बाद आप जो है वो इस पीएनजी का एक डुप्लीकेट करना और ऊपर जितनी जगह आपने छोड़ी है उतनी जगह नीचे छोड़ कर आप इसको यहाँ पर रख देना। तो यहाँ पर इतनी जगह मैंने ऊपर छोड़ी थी तो नीचे भी हम इतनी जगह छोड़ कर इसको यहाँ पर जो है वो रख देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, हमने जो पीएनजी रखे हैं वो आप लोग देख सकते हो ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पीएनजी दिख रहे हैं तो इसको हमें हाइड करना है। तो इसके ऊपर हमें फिर से जो है वो वाइट बॉर्डर लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर शेप के अंदर जाएंगे। शेप के अंदर जाने के बाद हम लोग जो है वो एक शेप को सिलेक्ट करेंगे। इस वाले शेप को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और एकदम लास्ट में जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट का। तो इन्वर्ट जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो जितना भी हमें बॉर्डर रखना है उतने एरिया को हमें यहाँ पर क्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। ऊपर की साइड हम इतना बॉर्डर रखेंगे, नीचे की साइड इतना, साइड में हम इतना बॉर्डर रखेंगे और इस साइड जो है वो हम इतना बॉर्डर रखेंगे। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर टिक कर देंगे यस। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह से वाइट रंग का रेडी हो चुका है। तो वाइट रंग की बॉर्डर वाला हमारा ये बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अगर आप इसका रंग चेंज करना चाहते हो इस बॉर्डर का तो आप इफेक्ट के अंदर जाकर कलर्स वाले ऑप्शन में जाना, तो काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी रंग की बॉर्डर आपको रखनी है उस रंग को सिलेक्ट करके ओके कर देना। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पीएनजी का रंग चेंज किया है। आप इस तरह से पूरी बॉर्डर का रंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी पिक्सआर्ट में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अपने वीपीएन को ऑन करके कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करके बीजीएमआई की जो भी वीडियो एडिट करनी हो उस वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर ले आइए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेशियो का। तो इस रेशियो के अंदर जाकर 9:16 वाला ये वाला रेशियो सिलेक्ट करके टिक कर दीजिए। अभी हमारे वीडियो के ऊपर जगह बस गई है, वो काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग ब्लर मिलेंगे। तो ज़्यादातर मैं फर्स्ट वाला ब्लर यूज़ करता हूँ,
अब जाओ तो दूसरे ब्लर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ब्लर को ही मैं रखूंगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉर्डर वाला एक बैकग्राउंड तैयार किया था, उसको हम ओवरले के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे और पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम इसको सही से रख देंगे, चारों तरफ बॉर्डर व्हाइट रंग की दिखे उस तरह से, और इसकी लेंथ को हम जो है वो वीडियो के हिसाब से रख देंगे। उसके बाद 20 का हमारा जो मेन वीडियो है उसके ऊपर टैप करके हम लोग 20 में जो व्हाइट रंग की बॉर्डर है ना, व्हाइट रंग की लाइन, उसके नीचे हम हमारी वीडियो को रख देंगे ताकि ऊपर की साइड हमारी वीडियो बाहर ना निकले। उस तरह से जो है वो सही से आपको धीरे धीरे से इस वीडियो को रख देना है। और लो जी, हमारी शॉर्ट वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह की वीडियो अगर आप बनाओगे तो ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी हाई आएगा, जिससे हमारी वीडियो वायरल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है हमारा ये वाला शॉर्ट वीडियो, तो आप भी इस तरह से शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। बाकी ऊपर आप जाओ तो कुछ लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट के अंदर चलते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने कुछ लिख दिया है, लेकिन इसको पूरी वीडियो तक मत रखना, बस स्टार्टिंग में ज़रा सा रखना ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि लास्ट तक हमें ये वीडियो देखना है, लास्ट में कुछ होगा। बाकी इस तरह से प्लान वीडियो हमारी रहेगी तो ऑडियंस को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी सही वीडियो लगेंगी। तो कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है तो भी कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।